प्रणाम दोस्तों, लक्ष्मी गायत्री चैनल में आपका स्वागत। लास्ट वीडियो में हमने वायु मुद्रा के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किया था, आज हम जानेंगे और थोड़ा सा डीप। तो मुद्रा क्या है एक्चुअली? मुद एक जो कि है एक संस्कृत वर्ड है, मुद का मतलब है आनंद, संतोष, रा का अर्थ है देना, उत्पन्न करना। तो जब भी हमें आनंद या संतोष मिलता है उसका मतलब है हम दोष निवृत्त हो गए हैं, आपका डिसीजेस को आप दूर कर दिए हैं। पांच टाइप्स के मुद्रास है, हस्त मुद्रा, बंध मुद्रा, काय मुद्रा, अधर मुद्रा और मनोमुद्रा। तो ये जो कि वायु मुद्रा है वो हस्त मुद्रा के नीचे आता है, तो वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत विशेष मुद्रा है ये, इसे जरूर करिएगा और इसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी। ये वायु मुद्रा को आप जिन जिन को बैक पेन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है और आर्थराइटिस पेन्स जहाँ जहाँ है बॉडी में, गाउट जिनको है और गैस का प्रॉब्लम है लाइक ब्लोटिंग, बेल्चिंग, फ्लैचुलेंस जो भी रहेगा, ये आपका पेट फूलना वो भी कम हो जाएगा। तो कैसा कम होगा? मैंने बोल दिया, आपने मान लिया, चलो जाएं देखेंगे वैसा, लेकिन फिर भी आप ऑलवेज याद रखिए हमेशा कि आप आपको पहले जानो, आपके अंदर क्या है उसे जानिए। तो ये जो प्रामाणिक रूप में हमारे ऋषि मुनिया जो भी प्राचीन काल में मुद्राओं के बारे में बताया गया है उसे अब प्रेजेंट शास्त्रज्ञ साइंटिस्ट भी उसे आमोदित करे हैं। तो ये जो मुद्रा है करीब 300 से ज्यादा है मुद्राएं, तो उनमें जो भी इम्पोर्टेंट मुद्रास है, इम्पोर्टेंट इन द सेंस आज के जमाने में जो लोग यूज कर सकते हैं उसे, जो डाल सकते हैं, जिनके शक्ति के अंदर मिलता है उसे हम जानेंगे एक के बाद एक। तो आज वायु मुद्रा आपका गैस का प्रॉब्लम दूर करेगा। कैसा दूर करेगा? वायु मुद्रा का तत्व क्या है एक्चुअली? वायु तत्व को कंप्रेस करना। तो जहां जहां आपको बॉडी में बैड एयर, दूषित वायु ज्यादा हो गया है उसे कम करने के लिए हम ये वायु तत्व का उंगली जो है यहाँ पे तर्जनी को नीचे लाएंगे, इसको ऊपर से दबाएंगे। ये मैंने आपको बताया था वायु मुद्रा, ऊपर से ये अग्नि है, हस्त मुद्रा के नीचे आता है जो कि ये वायु मुद्रा है, इसे थोड़ा सा स्लाइट प्रेशर देके दबाएंगे, घुटना के ऊपर रख देंगे या ऐसा भी खड़ा करके भी रख सकते हो। तो आपको जहां बैड एयर है बॉडी में उसे कम करेगा और रक्त संचलन, ब्लड सर्कुलेशन जो कि है उसे बढ़ाएगा, उसका ऑक्सीजन की मात्रा जो कि आपके हेड में है बढ़ेगा, तद्वारा दूषित वायु, केमिकल्स, टॉक्सिन्स ये पूरा घटेगा। तो आपका इंटेस्टाइन जो है, जो आपका आंत है इंटेस्टाइन, उसके अंदर जो भी कलुषित दूषित वायु जो है उसको एलिमिनेट कर देगा ये वायु मुद्रा। इसके द्वारा आपका जो वो पेट फूलना, दो ब्लोटिंग, फ्लैचुलेंस, वो पूरा गैस वो पूरा कम हो जाएगा। तो आप जैसा मैंने कहा था आपके साथ लास्ट वीडियो में, 15 मिनट मिनिमम करें बिगनिंग में। आप बहुत अगर एज्ड हो, 70 साल 80 साल के हो, तो आप 5 या 10 मिनट तक कर सकते हो। अगर आपको उसमें भी कुछ प्रॉब्लम जैसा लग रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो या आपके नियमित योगा गुरु से पूछ सकते हो। तो हमेशा याद रखिए वायु मुद्रा, जिन जिन को वात शरीर है, तो वात शरीर क्या है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्यों आता है वात आपका बॉडी में, ये वात तत्व क्यों बढ़ रहा है, इसके वजह से क्या क्या डिसीजेस आ रहे हैं, कितने प्रकार के लिमिटेशंस आपको, आपका बॉडी को कहाँ कहाँ वो दबाए रखा हुआ है, उसके बारे में अगला वीडियो में जानेंगे। क्योंकि पहले तो जहां जहां क्या क्या कम कर रहा है वायु मुद्रा उसके बारे में आज बात करेंगे, डिवेट नहीं होना है टॉपिक से। तो ये है गैस का प्रॉब्लम दूर करने में। तो वेट लॉस में भी ये काम करेगा, जिन जिन को ज्यादा मोटापा है
वह ये वायु मुद्रा करे तो वेट लॉस कैसा कम करेगा, वेट को कैसा कम करेगा। ये आप एक ही चीज याद रखिए, दूषित वायु आपका बॉडी में जितना भी एयर बढ़ रहा है बैड एयर, तब वात तत्व बढ़ेगा शरीर में, उसे कम करने के लिए हम ये मुद्रा डाल रहे हैं। तो वेट में एयर के साथ क्या रिलेशन है, आपको ये डाउट आ सकता है। तो उसके लिए हम एक ही चीज याद रखना है कि ऑक्सीजन लेवल को आपका बॉडी में जितना ऑक्सीजन लेवल से उससे ज्यादा बढ़ाने के लिए ये वायु मुद्रा करते हैं। वायु मुद्रा करने से टॉक्सिन्स घटेगा, आपका पूरा बॉडी में जो वेगस नर्व है, नर्व को क्या बोलते हैं हिंदी में, तंत्रिका, तो वो जो वेगस तंत्रिका आपका मस्तिष्क ब्रेन से लेके सारा शरीर में फैल जाता है वो नर्व, तो उसको ये एक्टिवेट करता है ये वायु मुद्रा। तो जब वो एक्टिवेट होगा आपका शरीर में राइट फ्रॉम योर ब्रेन से पूरा शरीर में आपको ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ेंगे। ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ना का मतलब है केमिकल्स घटना, टॉक्सिन्स घटना, पूरा बाहर निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तद्वारा जो ये जो कॉर्टिसोल कहते हैं ना, आपका बॉडी में जब वेट गेन आता है कॉर्टिसोल एक प्रोड्यूस होता है, तो वो प्रोड्यूस होने से आपका बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने से वेट बढ़ जाएगा। तो पूरा इंटरलिंक्ड रहेगा शरीर में, तो एक को एक पूरा कनेक्शन है। योग का मतलब ही जुड़ना, जोड़ना, आपका शरीर को बाहर का एनवायरनमेंट से जोड़ना, शरीर के अंदर एक मसल से दूसरा मसल को, एक बोन से दूसरा बोन को, तो बाह्य शरीर से आंतरिक शरीर को, तो पूरा जोड़ना। योग का मतलब है युज, युज माने जॉइनिंग। तो इस तरह आपका बॉडी में वेट गेन जब बढ़ेगा, वेट जब ज्यादा रहेगा, वो लोग वायु मुद्रा जरूर डालें, उनको भी कम हो जाएगा वेट। तो एंजाइटी में भी ये काम करेगा, स्ट्रेस में भी काम करेगा, और ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उसे हम कह सकते हैं कि आर्थराइटिस है, जो आपका बोन्स में जहाँ ज्यादा एयर जम गया है बोन के अंदर बैड एयर, उसको निकाल के जहाँ पे भी आपको क्रैकिंग साउंड आएगा बोन्स में टक टक बोल के, हेयर ग्रोथ में भी काम आएगा ये। तो ये जो आपसे मैं अभी बोली थी क्या, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक पार्किंसंस डिसीज, पूरा बॉडी शेक होते रहेगा उनका, जो ऐसा शेकिंग ट्रेम्बलिंग बोलते हैं ना, तो उसको भी ये कम करेगा। जिन जिन को पार्किंसंस डिसीज रहेगा उनको पूरी तरह से ये कम हो जाएगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस और इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। इम्यूनिटी कैसा बढ़ेगा, जब आप ऑक्सीजन बढ़ाएंगे सारा शरीर में मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी कम हो जाएंगे, देर बाय इम्यूनिटी बढ़ जाएगा आपके शरीर में। तो आप ये बहुत ही लाभदायक है वायु मुद्रा। आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग लोग कोई है पार्किंसंस डिसीज है उनको, उनसे जरूर कराएगा। वो लोग ऐसा जब शेक होते रहेंगे कैसा मुद्रा डालेंगे, ये डाउट आपको आई एम श्योर आपको आ गया है। तो आप एक चीज करिए, जो लोग मुद्रा नहीं डाल के रोक सकते हैं उनको आप ऐसा उंगली को ऐसा यहाँ पे रख के इसको भी यहाँ डाल के टेप डाल दीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, टेप से ऐसा डाल के उनको जब सो जाते हैं या चलते रहते हैं धीरे धीरे से, टीवी देखते रहते हैं कुछ साइलेंट, जब जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनके लिए ये आप ऐसा मुद्रा में डाल के टेप डाल दीजिए, टेप डाल के छोड़ दीजिए 15 मिनट ऐसा छोड़ के, फिर उनको खोल दीजिए, फिर दोपहर को, फिर शाम को 15 15 15, उसके साथ 45 हो गया वायु मुद्रा। और क्या मुझे बोलना है आपको वायु मुद्रा के बारे में, फिलहाल इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब मत भूलना, आपके दोस्तों को भी शेयर करिए, सभी को यह लाभ मिले, ताकि आपके दोस्त, आपके घर वाले, सारा सोसाइटी और अपना देश आगे बढ़े, हेल्दी इंडिया बने। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्ते।